नमस्कार। एक सीरीज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग राहु। क्रिकेट बैटिंग में अगर आप राहु राहु को नहीं समझे, फिक्सिंग को नहीं समझे, राहु मतलब फिक्सिंग, फिक्सर को नहीं समझे, उसके माइंड को नहीं समझे, तो आपको आप कमाते कमाते झटके खाओगे। प्राय लोग बोलते हैं सर पैसा कमाता हूँ लेकिन टिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ मैचेज ऐसे होते हैं फिक्सर को पता है कि मैं इसमें एक तरफा निकाल लूँगा। आपको 3 जैकपॉट भी दे भी दिया, 4 जैकपॉट दे भी दिया, उसको ये पता है कि कौन से 2 मैचेज में मैं आपका वो ऑलमोस्ट पैसा टाल लूँगा। तो जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आपको लॉन्ग टर्म में बैटिंग लाइन में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये समझने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिलहाल मैं जो मैच ले रहा हूँ वो कल का मैच ले रहा हूँ। कल लीजेंड्स का फाइनल था इंडिया कैपिटल और भीलवाड़ा के बीच में। एक मुझे एक पुरानी बात याद आती है, काफ़ी साल पुरानी बात हो गई लेकिन आज उसको याद करना बनता है। एक एक पंटर था, दोस्त का दोस्त था, दोस्त भी हो बन दोस्त की तरह भी रहता था लेकिन पंटर था। तो उसको दिमाग में फिक्सरों को पढ़ने की आदत थी, रिसर्च करने की आदत थी। मैं चूँकि ज्योतिष पर रिसर्च करता था, लेकिन वो एक बार वो जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, तो 2009 में आईपीएल इसमें सिनेमैक्स में आ गया था। उस समय सिनेमैक्स शुरू ही हुआ था। सिनेमैक्स मतलब जैसे आप मॉल में जाते हो, उस समय इतने इतने ब्रांड नहीं थे, आइनॉक्स और ये कौन सा है ये जो नाम भूल जाता हूँ मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन उस समय इतने ब्रांड नहीं थे। लेकिन सिनेमैक्स एक ब्रांड आया था, शायद सिनेमैक्स एक ब्रांड आया था, वो सबसे पहले लॉन्च हुआ था। तो उसमें आईपीएल को स्टेडियम में दिखाया गया था, हॉल में दिखाया गया था, मल्टीप्लेक्स में दिखाया गया था। तो वो जाता था, वो एक बार मेरे को भी ले गया था। वो उसका जाने का मेन पर्पज़ क्या था, वो ये देखने जाता था कि जो ऐड आता है टीवी में, तो हम लोग ऐड देख लेते हैं, तो खिलाड़ी पीछे में क्या कर रहा है, वो बातें उससे क्यूरियसिटी थी। क्योंकि कई लोग सुनते थे, कई लोग जब चौके का इशारा, जब आउट का इशारा करना होता है तो पीछे से एक के पवेलियन में से जहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, बुकी का बॉक्स रहता है, ये सब मुझे सुनी सुनाई बातें उसी ने बताई थी, एक दो लोगों ने और बताई थी मुझे। इसमें मेरी कोई पारंगतता नहीं है कि जब आउट होना होता है तो वो वाइट रुमाल दिखाता है, कई बार हाथ का इशारा करता है, हर बार ये अलग अलग इशारे होते हैं ताकि ACU एंटी करप्शन यूनिट की नज़र में वो नहीं आ पाए और वो फंस नहीं पाए, वो कैच नहीं हो पाए। तो अलग अलग मैं सुनता हूँ, मैं तो भूल भूल भी जाता हूँ, जो बात काम की नहीं रहती वो दिमाग से उतर भी जाती है। कई कई तरह के इशारे होते हैं कि भाई अभी अभी बैट्समैन छक्का मारेगा, इसका मतलब समझ लो वो आउट होने वाला है। एक बॉल डॉट खेल दिया, दो बॉल डॉट खेल दिया, मतलब वो छक्का बने वाने वाला। इस ढंग के सिम्टम्स वो बताता था कि ऐसे ऐसे फिक्स होते हैं। तो वो ये देखना चाहता था कि वो जो बीच में क्या बात करते हैं, बीच में क्या इशारा मिलता है, एडवर्टाइज ऐड आ जाता है लेकिन वहाँ पर ऐड नहीं दिखाते थे, मल्टीप्लेक्स में ऐड नहीं चलता था बाकायदा, कोई बीच में ऐड नहीं आता था। तो वो ये देखने गया था कि उस बीच में क्या कोई इशारा करता है, क्या कि उनके पास कोई सिग्नल आता है, क्या कोई फील्डर, जैसे कई बार आप देखते होंगे फील्डर कुछ वाटर बॉटल या कुछ लेने आता है तो वो इनके कान में कुछ बोलता भी है बैट लेने के बहाने, या तो कई बार बुलाया जाता है। वो हम आप जब एज्यूम कर सकते हैं क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली वो हम नहीं जानते, हम सोच नहीं सकते। तो यहाँ पर उसी बंदे ने यही कहा था कि अमित जी पहला बॉल में चौके का मतलब कबाड़ा, ये कबाड़ा वर्ड सबसे पहले मुझे उसी ने दिमाग में दिया था। तो मैं उस समय उसके बाद पे हाँ भी हो सकता है, क्योंकि मेरा अलग, मैंने बताया मेरा अलग एस्ट्रोलॉजर हूँ, अलग फील्ड है, लेकिन उसके बाद मुझे मैं जब रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि भाई 4 नंबर से ऑटोमेटिक राहु का है। राहु मतलब सारा 2 नंबर ही काम कराने में राहु एक्सपर्ट है, राहु मतलब गेम को बिगाड़ने में राहु का हाथ है। अब बीच बीच में जैसे कल के मैच में गई थी क्या, मैच में जो लाइट चली जाती है स्टेडियम में, लाइट जाने का क्या मतलब है, अच्छे वाले स्टेडियम में, जयपुर जैसे स्टेडियम में बीच में लाइट जाने का क्या मतलब है, स्टेडियम में फ्लड लाइट जाने का क्या मतलब है, तो ऐसा बीच बीच में हम लोग देखते हैं। तो ये सारा काम राहु करता है। तो कल का जो मैच हुआ था, पहली बॉल में भी चौका और दूसरी बॉल में भी चौका, तीसरी बॉल में रन नहीं बना और चौथी बॉल में आउट, यानी आउट उनको कबाड़ा करना था, मैच में ड्रामा करना था। तो ये सिंह अब वो ड्रामा कैसे करेंगे, शुरू में 4 विकेट करके ड्रामा करेंगे या ये नहीं, इसका एंड भी दिख रहा है कि इनिंग में रन बना 211,
तो 211 मतलब 2 प्लस 1 1 1 छोड़ लो 4, यहाँ भी 4 आ रहा है। मतलब ड्रामा मैच था, सेटिंग मैच था, फिक्सिंग मैच था। और आपको फिक्सिंग में कई बार बताया हुआ है कि फिक्सिंग दो तरह की होती है, एक होती है सिंडिकेट फिक्सिंग, उसको आप फिक्सिंग वर्ड हटा दो, फिक्सिंग वर्ड उसमें चीप हो जाता है, उसको आप सेटिंग बोल सकते हो। इस अननेसेसरी सिंडिकेट जो करता है वो सेटिंग करता है, और फिक्सिंग होता है जैसे किसी इंडिविजुअल खिलाड़ी को हम और आप मिलकर सेटिंग कर लेते हैं। श्रीशांत को हम लोग 2 करोड़ रुपया देंगे, भाई तुमको डॉट बॉल डालना है या इतने बॉल में आउट नो बॉल डालना है, वो होती है सेटिंग। उस सेटिंग के सॉरी वो होती है फिक्सिंग। उस फिक्सिंग के अगेंस्ट में एंटी करप्शन यूनिट है कि वो फिक्सिंग नहीं हो पाए। बुक की इंडिविजुअली लेवल पर 2-4-5 बुक की इंडिविजुअल लेवल पर 2-4 करोड़ रुपया देकर खिलाड़ी को खरीद नहीं पाए, क्योंकि हम यहाँ बड़ा गेम खेल रहे हैं। हम मतलब बड़े बड़े सिंडिकेट के बारे में मैंने बताया हुआ वीडियो आप देख सकते हो, टेलीग्राम में लिंक भी डाल दूंगा मैं। कई सारे जो नए लोग जुड़े हैं वो लोग को सिंडिकेट वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 है वो जरूर देखना चाहिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, कुछ लोग का टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं होता है तो वो बहुत जल्दी व्हाट्सअप कर देते हैं, और व्हाट्सअप कर देते हैं व्हाट्सअप का इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आता, सर टेलीग्राम लिंक दीजिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आता तो कॉल करने लग जाते हैं। तो कृपया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कॉल नहीं करें, समय आने पर मैं अपने आप जवाब दूंगा। बहुत ज़्यादा क्यूरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दो। कल जो भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे, कल से सीरीज शुरू हो रही है तो हो सकता है आज रात को मैं वीडियो डाल दूं या कल जरूर डाल दूंगा। जितने भी सारे कई सारे सीरियस क्वेश्चन हैं, सर क्या लिमिट से खेलना चाहिए, सर क्या एस्ट्रो क्रिकेटर क्या रिकॉर्ड्स है, ये सारे भी रहते हैं। तो ये मेरे रिकॉर्ड्स टेलीग्राम में रहते हैं, मुझे अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताने में संकोच भी होता है, इसे सब सब कुछ टेलीग्राम में है। टेलीग्राम में डालने का मकसद ये है कि बैटिंग स्टाइल क्या है, कोई ये समझे कि मैं जीत बताने वाला हूँ। तो मेरी टीम ज़्यादा बार, एस्ट्रो की टीम ज़्यादा बार जीतते देखी गई है, लेकिन कब कितने बार जीतेगी, कब कितनी बार ड्रामा होकर, हो सकता है कल कल हो सकता है कल टीम कल चलो टीम एक तरफा जीत गई, कुंडली की टीम इंडिया कैपिटल ही थी। क्या बोला था मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ है, क्या बोला था टेलीग्राम में डालता हूँ ताकि रिकॉर्ड्स मेंटेन हो और अपनी गलती से मैं सीखूँ और आप भी सीखें। रिकॉर्ड से हम लोग सीखते हैं, मैं भी सीखूं कि अगर इस टीम में इस दिन मुझे एक मिस्टेक हुई तो क्यों हुई। और मैं मिस्टेक उसी को मानता हूं जब टीम भाव नहीं आए। कल जिस जंग की कुंडली थी, दोनों टीम को अप डाउन खेलना था, अब दोनों टीम को अप डाउन तो मैंने सेफ गेम के हिसाब से कि दोनों टीम 70 पैसा आएगी। अब कुछ लोग दोनों टीम में 70 पैसे में भी पैसा लग जाता है या पैसा कमा नहीं पाते हैं, तो उनको अपनी बैटिंग स्टाइल चेक करनी चाहिए। फिक्सर आपको मौका देगा, उस मौके को खासकर इस टाइप के जो मैचेज होंगे, इस टाइप के जो मैचेज होते हैं, किस टाइप के सी ग्रेड इंडिया लीजेंड्स को आने के अच्छे मैचेज हुए, 190 भी चेज हो गया, 226 भी चेज हो गया, कुछ अच्छे मैचेज हुए, लेकिन मैं फिर भी इसको सी ग्रेड टूर्नामेंट ही दूंगा। सी ग्रेड टूर्नामेंट मतलब पैसा चाहे फिक्सर देगा, पैसा चाहे सिंडिकेट देगा, खिलाड़ी को उसी उसी के हिसाब से खेलना है। 4 विकेट जाने के बाद, 4 विकेट आउट होने के बाद इंस्ट्रक्शन था कि अब खिलाड़ी को खुलकर खेलना है, अब खिलाड़ी को दब के नहीं खेलना है, 4 विकेट हमको दे दो ताकि सेशन लगाने वालों को पहली बॉल में चौका, दूसरी बॉल में चौका, सेशन खुला होगा आराम से, तो सेशन लगाने वालों को हम पैनिक करें, और उसके 4 विकेट डालने के बाद सेशन लगाने वालों को अब हम सौदा काटने पर विवश करें, मजबूर करें, और उसके बाद रन बनवा दें। शायद 90 बना था, 95 बना था, जो भी, तो इस ढंग की होती है। तो आप जब भी पाओ कि आपको 4 नंबर दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो आपको वहाँ पर समझना चाहिए। सूर्य में राहु नुकसान करता है जब सूर्य में राहु आता है, जैसे कि इंडिया गेम हुआ था। इंडिया गेम में एस्ट्रो क्रिकेट के पेड ग्रुप में सिर्फ एक मैच किया था, बाकी 2 मैच में हमने काम नहीं किया, क्योंकि जहाँ सूर्य में शनि होता है वहाँ एक अफ्रीका एक तरफा है, सॉरी सूर्य में राहु होता है एक तरफा, 108 रन पे ऑल आउट हो गई। हालांकि दूसरे मैच में इंग्लैंड वाले मैच में पैसा निकल गया, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन सूर्य में राहु आने से सबसे ज़्यादा कबाड़ा होता है, तो आपको ये समझना है सूर्य में राहु आ रहा है, शनि में राहु आ रहा है, शनि में राहु आता तो इंडिया प्राय जीतती है, प्राय नहीं 99% जीतती है, कोई एक आध बार भाव आगे भी नहीं जीती है, लेकिन वो 100% ही माना जाएगा। तो आपको ज्योतिष के स्टूडेंट को आपको ये समझना है, और आम जो ज्योतिष नहीं जानते उनको ये समझना है कि जब आपको कहा जाए कि नेगेटिव डे है तब नेगेटिव डे को समझना है, आपको कहा जाए कि नेगेटिव दिन है तब आपको उसके अनुसार बैटिंग करनी है, अपनी लिमिट भी उसी के अनुसार सेट करनी है। और जब आप कुछ भी नहीं कहा जाए तो आपको, जब दोनों तरफ करने कहा जाए तो आपको नॉर्मल लिमिट से दोनों तरफ करना है। स्मॉल लिमिट से दोनों तरफ करोगे तो क्या मतलब हुआ, नॉर्मल लिमिट से दोनों तरफ करने से कुछ घर में पैसा आता है। बाकी आप समझदार हो, एक बार सब वीडियो एंड करता हूँ, सबको बहुत बहुत बधाई हो सामने कमिंग ट्राई सीरीज की, और उसके बाद वर्ल्ड कप तो है ही।
कल से ट्राई सीरीज शुरू हो रहा है, सबको एडवांस में बधाई हो। ट्रेडिंग सिस्टम से राहु को समझते हुए, फिक्सर को देखते हुए आप काम करोगे, तो मेरा पहला टारगेट, एस्टोक्रेट का पहला टारगेट, बुकी को पैसा नहीं देना है। और बुकी को जो पैसा नहीं देना है, मतलब लगने या घर बंद कर दिया, अब तो जो आएगा वो अपना है। लालच क्यों करें? रोजाना 4 मैच होते हैं, 3 मैच होते हैं, लालच क्यों करेंगे? 3 मैच में जिस मैच में हमको समझ में आएगा उस मैच में पैसा निकाल लेंगे। बुकी को देना नहीं है, सिंपल फार्मूला। थैंक यू, टेक केयर। में कंटिन्यू वीडियो आएगा, लाइक सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन देख लेना ऑन है कि नहीं है। कंटिन्यू वीडियो आएगा वर्ल्ड कप तक। टेक केयर, बाय।